नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। आइए जानते हैं इस वक्त की कुछ मुख्य खबरें। समस्तीपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शहबान हबीब फाखरी एवं मुफस्सिल थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हथियार एवं कारतूस की खरीद बिक्री करते अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर पुल के निकट रामजानकी मठ के दक्षिण कुछ अपराध कर्मी हथियार एवं कारतूस की खरीद बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो के निर्देश पर मुफस्सिल थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सदर अंचल के विक्रम आचार्य, मुफस्सिल थाना के कृष्ण चंद्र भारती की डीआईयू के अनिल कुमार, डीआईयू के संदीप पाल एवं मुफस्सिल थाना के परशुराम सिंह समेत पुलिस की टीम ने मोहनपुर पुल के निकट रामजानकी मठ के दक्षिण छापेमारी करते हुए हथियार एवं कारतूस के साथ चार अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर हथियार एवं कारतूस के अवैध व्यापार करने वाले दो अन्य अपराध कर्मियों को भी पुलिस की टीम ने धर दबोचा है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से बरामद मोबाइल में मिली जानकारी से यह स्पष्ट हुआ है कि काफी लंबे समय से ये लोग हथियार एवं कारतूस का अवैध व्यापार कर रहे थे, जिसका उपयोग जिले भर में आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए किया जाता है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के अखा बिशनपुर गांव निवासी सुरेंद्र चौधरी के पुत्र आशीष कुमार चौधरी, सरायरंजन थाना क्षेत्र के गुडमा गांव निवासी गोपाल कुमार ईश्वर के पुत्र अविनाश कुमार ईश्वर, सरायरंजन थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी विनय कुमार झा के पुत्र रोहित कुमार, सरायरंजन थाना क्षेत्र के मूसापुर निवासी बालकृष्ण झा के पुत्र दुर्गेश कुमार झा उर्फ गुड्डू, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धुरलख गांव निवासी बासुकीनाथ चौधरी के पुत्र गोविंद चौधरी के रूप में की गई है। समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो के निर्देश पर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शहबान हबीब फाखरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम लगातार हर दिन अपराधियों की धरपकड़ करने में जुटी है, जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर कई अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर बता दिया है कि पुलिसिया कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले कोई भी अपराधी पुलिस की नज़रों से नहीं बच पाएगा। समस्तीपुर जिला से अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। बात अभी हमारे संज्ञान में नहीं आई है, ऐसी बात होगी। चार लोग इसमें घायल है, सदर अस्पताल में इनका इलाज किया जा रहा है। उनमें से एक मनोज गुप्ता नाम के एक पीड़ित है, जिन्होंने बताया है कि 10 राउंड फायरिंग किया गया है। 10 राउंड फायरिंग तो फायरिंग हुई होगी, तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। इतना हाथ नीचे कर रहे हैं, आपको भी पता है।